साम्प्रदायिक सौहार्द सामञ्जस्यार्थं 90-2000 वर्षे राष्ट्रिय पुरस्कारेण बहुमानितः संस्कृत विद्वान् अस्ति डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री। संस्कृत विषयम् अवलम्ब्य स्नातकोत्तर पदवी, पुराण ग्रंथान् आदृत्य आचार्य पदवी इति पदवी द्वयम् उपार्ज्य अमुना विद्वद्वरेण महामंत्र गायत्री सुरा फातिहा चेत्यनेहो अर्थ प्रयोग महात्म्य दिशा तुलनात्मकम् अध्ययनम् इति विषये अनुसंधान कार्यम् कृतम्। तर्हि साधयामः अद्य अमुनैव संस्कृतोपासकेन इस्लामीय विदुषा डॉक्टर हनीफ शास्त्रिणा सह त्रिज्या संवादम्। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः शास्त्री महोदय। भवान् तु मुस्लिम कुटुम्बी, मुस्लिम कुटुम्बेषु साधारणतया संस्कृतपरम्परा न विद्यते, तथापि भवतां रुचिः संस्कृताध्ययनाय कथं सञ्जाता? अयं तु भगवत्कृपा अस्ति। प्रथमं तु निवेदयामि, संस्कृतभाषायां सम्यक्तया वक्तुं न शक्नोमि, अभ्यासं विना, संस्कारोऽपि नास्ति। तर्हि निवेदयामि, बोधगम्य वार्ता हिन्दीभाषायामेव कर्तुं शक्नोमि। यथा भवते रोचते। मेरे साथ तो ऐसी एक घटना घटी। अपने परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो प्राइमरी पास हूँ, पांचवी पास। अच्छा। तो शिक्षा दीक्षा का संस्कार हमारे परिवार में तो मेरे लिए था नहीं। हाई स्कूल में जब फेल हो गया तो हमारे एक गुरुजी थे, पंडित लखनलाल शास्त्री नाम था उनका। उन्होंने कहा कि आप जो है एक अध्याय प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ो, भगवत कृपा होगी तो तुम्हें अब कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तब से मैं हाई स्कूल फेल होने से संस्कृत अध्ययन 1970 से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो भगवत गीता में ऐसे ऐसे रहस्य मिलते गए तो मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि वो मैं आम जनता में, साधारण जन समाज तक इन रहस्यमय बातों को कैसे पहुंचाऊं। इस दृष्टिकोण से मैंने, जब तक संस्कृत में मैं खुद पारंगत ना हो जाऊं, तो और लोगों को कैसे बताया जा सकता है। सत्यम। तो इस दृष्टिकोण से मेरा संस्कृत में रुचि बढ़ती चली गई। और फिर मैंने संस्कृत से MA PhD पुराणों में आचार्य धर्मशास्त्र, तो इस तरह से काफ़ी कार्य करने का अवसर मिला। और जो वेदों में, उपनिषदों में और भगवद गीता में जो एक वैश्विक संदेश है, मानव मात्र के लिए जो संदेश है और आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता व्यक्ति, इस तरह के संदेश जब वेदों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में मिला, तो मैं समाज में बांटने के लिए संस्कृत पढ़ना शुरू किया। भवत भी इस्लाम सनातन धर्मयोः साम्यम अवलंब्य गहनम अध्ययनम कृतम्। उभयो धर्मयोः एकेश्वरवादः अथ च पुनर्जन्म अवधारणा द्वय दृशा मत वैभिन्यम विद्यते। भवतां कः विचारः अस्मिन् विषये? इसमें जो विचार है वो अनजाने में ऐसी धारणाएं बनती चली जा रही हैं और समाज में आपस में नफरत सिर्फ अनजाने में होता चला जा रहा है। सनातन धर्म जो है वो वैश्विक धर्म है, पूरे विश्व का सनातन तत्व ज्ञान एक ही है। जैसे 2 और 2 4 होता है तो उसको अरबी में कहें तो, संस्कृत में कहें तो, अंग्रेजी में कहें तो, जर्मन में कहें तो, दिल्ली में कहें तो, कलकत्ता में कहें तो, लंदन में, तो 2 और 2 4 ही होगा। सत्य। ठीक वैसे ही सनातन तत्व ज्ञान जो है वो एक ही है। अरबी भाषा में जो कुरान शरीफ है उसका तो भगवद गीता से ऐसा तालमेल है, जबकि दोनों में
दो युगों का अंतर है। भगवद गीता द्वापर का है, दो द्वापर युग का है, और वर्ष में लीजिए तो 3500 साल का अंतर है। लेकिन एक जैसी बातें, एक ईश्वरवाद के लिए जो बात कही जा रही है आपसे, तो कुरान जो है सीधे बोल, सूरह हामीम सजदा 41 नंबर का सूरह है, इसमें जो है सूरह हामीम सजदा में सीधे कुरान का कहना है कि मा यकालू लक इल्ला कद कील ली रुसुली मिन कबलिक, ए रसूल मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, वही पुरानी बातें जो पहले के रसूलों के जरिए समाज को दी जा चुकी है, उसी पुरानी बातों को दोहराई जा रही है। ठीक भगवद गीता का 4th अध्याय का पहला से लेकर 4 श्लोक तक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वान अहम अव्ययम, तो इसका बिल्कुल सीधे वही अरबी का अर्थ और संस्कृत का, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, वही पुरानी बातें तुम्हारे सामने दोहराई जा रही है, बिल्कुल एक जैसी। पूरे 700 श्लोक में, भगवद गीता में एक श्लोक मुख्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी लोग जानते हैं है ना, इस्लाम ने उसी को अपना आधार बनाया और उसी एक परब्रह्म परमेश्वर के आगे झुकने की सलाह दी, झुकने की शिक्षा दी और व्यवस्था की। और उसी बात को जो यहाँ भगवद गीता में बात कही जा रही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो इसमें स्वीकारोक्ति, ये नमाज में स्वीकारोक्ति, इन्नी वज्जहतु वज्जिय लिल्लजी फतरस समाबाते, हे प्रभु हम आप ही के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और आप ही को नमन कर रहे हैं, दुनिया के सारा प्रपंच से हट करके, दुनिया के सारा ऐशो आराम को छोड़ करके हम आप ही के शरण में अपने आप को डालते हैं और आप ही की इबादत करते हैं, उसी की स्वीकारोक्ति बात है। तो इस्लाम और सनातन परंपरा जो है, सनातन धर्म तत्व जो है, बिल्कुल एक है, बस भाषा का अंतर है। ये सनातन तत्व ज्ञान जो है शाश्वत ज्ञान है, ये पुराना हो ही नहीं सकता। प्रभु कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, अव्यय बात है ये सनातन तत्व ज्ञान, इसी का अनुकरण करना चाहिए। तो इसी को अनुकरण करने वाला जो व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने कहा कि ओम इत्येक अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, स प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका फिर आगे 8th अध्याय के 16वां श्लोक में प्रभु बोलते हैं, गीताया तो उसमें बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा से लेकर सृष्टि में जितने भी देवी देवता लोग हैं सबकी एक तो मृत्यु निर्धारित है और दूसरे सब के सब पुनरागमन आवागमन के चपेट में फंसने वाले लोग हैं। लेकिन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, इस धारणा को इस्लाम मानता है, इसलिए पुनर्जन्म की संकल्पना ही नहीं रखा है। ये तो तथ्यम तो एकमेव, एकमेव तथ्यम अस्ति। अपि नमाज शब्दस्य व्युत्पत्ति अपि संस्कृत भाषातः। आम, नमाज तो फारसी भाषा अस्ति, अरबी भाषायां तो सलात कथ्यन्ते जना, सलात, और फारसी भाषायां नमाज, नमस शब्दस्य, नमस तो सस जुसोरुह से नमः रू हो गया, रुत्व विसर्जनीय से नमः हो गया। तो ये वही बताया मैंने आपको कि नमाज से तात्पर्य है कि हम अपने मालिक के आगे नमः नमन करते हैं, झुकते हैं।
नमाज से नमनस्य भाव नमस्य भाव नमाज शब्द अपि संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा एव अस्ति प्रसंगे अस्मिन्नेव ज्ञातुम् इच्छामि भारते मुस्लिम हिंदू मतावलंबी जनेषु भ्रातृत्वम् अथ च मिथो विश्वासः वर्धेताम् अस्याम दिशायां कीदृशः प्रयासः स्युः इस्लाम शब्दस्य हिंदी भाषायाम अर्थ अस्ति समर्पण सरेंडर अपने मालिक के आगे सरेंडर कर देना समर्पण कर देना यह निर्देश भगवत गीता में मिलता है यत करोषि यत जुहोषि यद अश्नासी ददास यत यत तपस्यसी अर्जुन तत् कुरुष्व मदर्पणम ठीक यही उपदेश यही संदेश यही निर्देश पैगंबर मोहम्मद साहब को मिलता है कुल इन्ना सलातु व नुसुकी व ममातु व अहियाया लिल्लाही रब्बुल आलमीन कह दो लोगों को कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानियाँ मेरा त्याग मेरा कर्तव्य जो भी मैं करता हूँ और मेरी जिंदगी और मेरी मौत उसी परमात्मा की है बिल्कुल एक जैसा पूरे देश देशांतर में यह बात फैले और लोग जाने कि हम सब एक हैं धन्यवाद महोदय अस्माभिः साकं सारगर्भितं ज्ञानान्वितं रुचिकरं च संवादं संस्थापनाय नमो नमः अहमपि पुनर्पुनर्नमामि धन्यवाद